हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हो? मुझे ये चैप्टर क्यों पसंद है, क्योंकि इस चैप्टर को आपको है ना बुक और पेन को हाथ लगाने का रेयरली कोई काम है। ये पूरा चैप्टर है ना कैलसी पे सॉल्व होता है, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट सब कुछ कैलकुलेटर पे ही सॉल्व होता है। तो इस चैप्टर की खासियत ये है कि भाई इसके आंसर्स पेपर पे और पेन से कम और कैलसी पे ज़्यादा निकलते हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपना अपना कैलकुलेटर रेडी रखिए, क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत लगने वाली है अगले 5-10 मिनट के बाद। शुरू करता हूँ मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इस चैप्टर के साथ और एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का सिर्फ हमको बेसिक है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं। उसमें हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब इसके पहले मैं शुरू करूँ बच्चों, यहाँ पे देखना, हमको पता है कि दो टाइप के इंटरेस्ट रहते हैं, राइट। एक रहता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में एसेंशियली हमको यही पढ़ना है, राइट, कि हमको प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट रहता है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलने के दो तरीके, एक कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, कैसे मिलता है ये सिंपल इंटरेस्ट। सही, अगर मान लेते आपने बैंक में 100 रुपये इन्वेस्ट किए, मतलब आपका प्रिंसिपल सम जो आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 100 रुपये। अब 100 रुपीज़ का अगर आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है और मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अब जब भी 8% बोलते दैट परसेंटेज इज ऑलवेज पर एनम, अगर कुछ नहीं बोला है तो क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसा बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, सो शुड ऑलवेज कंसिडर इट एज 6% पर एनम, राइट। सो 100 रुपये आपने डाले, उसके ऊपर 8%, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 8 रुपये, सेकेंड ईयर में आपका और इंटरेस्ट कितना रहेगा, 8 रुपये, थर्ड ईयर में आपको और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा जो आपने इनिशियली पैसा इन्वेस्ट किया था, इनिशियली मतलब जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आपका ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दिस वुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल सम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बैंक। सो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 था ना, तो हर बार हमेशा ये 8% 100 का ही निकलेगा, और इसलिए हमेशा इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो हमेशा आपको दिख रहा है सेम ही मिल रहा है। ऐसा मान लीजिए आपने पैसा डाल के आज 33 ईयर्स हो चुके हैं, 33rd ईयर में भी अगर आपको देखना है कि आपको कितना इंटरेस्ट बैंक से मिलेगा, तो बैंक क्या बोलेगी कि हम आपको देने वाले 8% वापस किसके ऊपर निकालेंगे, वो 100 के ऊपर ही, मतलब 33rd ईयर में भी आपका सालाना इंटरेस्ट 8 रुपीज़ ही होने वाला है। तो इसलिए सो क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्यों, कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट। और ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कई बार आपको दिखेगा कि रेयरली सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है, कई बार मेनली ऑलमोस्ट हर एक फाइनेंशियल डील में आप देखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है। सिंपल इंटरेस्ट इसमें हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया है वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही रहेंगे, और क्योंकि ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा सेम है इसलिए ये 8% ऑफ 100 ये हमेशा सेम ही आएगा, कि हर बार 8% ओरिजिनल प्रिंसिपल का ही लिया गया है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपने इनिशियली 100 रुपये डाले, उसके ऊपर 8% ऐड होकर न्यू प्रिंसिपल आएगा। तो ये आपका 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था, उस पर 8% इंटरेस्ट ऐड होकर ये 108 रुपये बन गया, राइट। अब अगली बार क्या होगा, इस 108 रुपये के ऊपर 8% निकाला जाएगा, तो कैलकुलेटर पे 108 पे जब मैं 8% निकालूं तो आएगा 8.64, है ना। तो पहले 100 पे 8% निकाला हमने, 8 रुपये आया, पर अब क्या करना है आपको, ये जो प्रिंसिपल था उसमें जो भी इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में ऐड होके नया प्रिंसिपल बनता है, ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड मतलब क्या, ऐड हो जाता है और एक नया प्रिंसिपल आ जाता है। नया प्रिंसिपल क्या है मेरा, 108। नाउ ऑन दिस 108 दैट अनदर 8% व्हिच यू आर गोइंग टू रिसीव, वो 108 पे कैलकुलेट किया जाएगा। सो नाउ 108 पे 8% जब मैं निकालता हूं आ रहा है 8.64, और ये 108 में ऐड जब आप करते हो, राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 116.4। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में आपका नया प्रिंसिपल कितना बन गया, 116.4। अब क्या होगा,
थर्ड ईयर में जब वो वापस 8% निकालने जाएंगे थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में 8% वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे नहीं लेंगे, 100 रुपीज़ पे नहीं लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हमेशा 8% किसका लेते थे, वो ओरिजिनल प्रिंसिपल का। बट इस कंपाउंड इंटरेस्ट केस में नाउ व्हेन दे कैलकुलेट 8% दे कैलकुलेट ऑन दिस न्यू प्रिंसिपल, द जस्ट न्यू प्रिंसिपल दैट इज 116.4, इसके ऊपर और आप 8% निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9.33। और ये 9.33 इस 116 में अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 125.97। अब फोर्थ ईयर में क्या होगा, 8% वो इस 125.97 पे निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड हेंस हम कहते हैं कि ये इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या बच्चों, कंपाउंड इस वर्ड का मीनिंग क्या रहता है? कंपाउंड मतलब क्या कि जब ये आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था, इस ओरिजिनल प्रिंसिपल ही कितना आपका 100 रुपीज, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 8 रुपीज, तो ये ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है आपका 100 रुपीज का, उसमें ये 8 रुपीज का इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपाउंड। और ये बन जाता है आपका नया प्रिंसिपल। दिख रहा है क्या मछली, दिख रही है आपको मछली? हाँ, यस यस यस, ये बन गया आपका नया प्रिंसिपल। अब अगली बार क्या होगा, ये 100 रुपए में 8 रुपए ऐड हो गए, कितना हो गया 108। इस 108 को माना जाएगा अब ये नया कंपाउंड बनकर बन गया एक नया प्रिंसिपल 108। अब अगली बार 8% जो निकालेंगे ना, वो 8% किसमें निकलेगा, खमा 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 किसमें निकलेगा, 108 पर कितना आएगा वो 8.64। और वो 8.64 इसमें आके क्या हो जाएगा, इसमें आके क्या हो जाएगा, कंपाउंड। और अब ये बनेगा आपका नया प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, कम ऑन, 116.4। अब अगली बार क्या होगा, ये 116.4 माना जाएगा प्रिंसिपल को, इसके ऊपर वापस नया 8% इंटरेस्ट निकलेगा, वो इंटरेस्ट इसमें आके क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, और कंपाउंड होकर बनेगा नया प्रिंसिपल दैट इज 125.97। सो इन द फोर्थ ईयर इफ यू वांट टू कैलकुलेट 8%, यू विल कैलकुलेट ऑन 125.97 एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ 100। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि आपका 8% हमेशा आप किसमें निकालते थे, आपका 8% आप हमेशा किसमें निकालते थे, ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जब भी निकालेंगे वो जो नेक्स्ट न्यू प्रिंसिपल था, न्यू प्रिंसिपल उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे और ना कि ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर है? ये मेन डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में एक वैरायटी और आती है जिसमें ये कंपाउंडिंग एनुअली ना करते हुए, हम कंपाउंडिंग एनुअली तो कर ही सकते हैं पर सेमी एनुअली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये कंपाउंडिंग मतलब क्या, तो बच्चों ये जो मेरे डांस में ये जो एक्ट था ना कि ऐसा ऐसा इंटरेस्ट आके इसमें क्या हो जाता है, ऐड, ये प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल ये रहा हूं बच्चों कि देखिए कि ये कंपाउंडिंग कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये कंपाउंडिंग नहीं होगी इंटरेस्ट हमेशा इसी प्रिंसिपल पर निकलेगा पुराने। अब मान लेते हैं कि पूरे साल भर का आपका 100 रुपए पे 8% इंटरेस्ट जब आप निकालते हो, पूरे साल भर का, ध्यान से सुनिए, पूरे साल भर का 100 रुपए पे जब आप 8% इंटरेस्ट निकालते हो, वो 108 होता है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 8 रुपीज। तो पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 8 है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, सेमी एनुअली 6 मंथ का, पूरे साल भर में 8 रुपए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 रुपए। पर आप देखिए अगर कंपाउंडिंग साल के एंड में नहीं हो रही है, अगर सेमी एनुअली हो जाती है 6 महीने बाद, तो इसमें आपका फायदा है। अगर आपकी बैंक बोलती है कि हम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली करेंगे, मतलब जैसे 6 महीने हो जाएंगे 6 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, 6 महीने बाद ही, पूरा साल भर के बाद 8 रुपए आपके अकाउंट में जोड़े जाएंगे ऐसा नहीं, 6 महीने बाद ही 6 महीने का जितना इंटरेस्ट होता है ना वो आपके अकाउंट में हम कंपाउंड कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका फायदा क्या होता है हमको देखिए, तो अभी क्या होगा, ये 100 रुपए आपका ओरिजिनल था, लेकिन 6 महीने बाद ही 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, पूरे साल का 8%, 100 रुपए पे 8 रुपए आता है पूरे साल का, तो 6 महीने का 4 ही रुपए आएगा, तो 100 रुपए में 4 ऐड होके ये हो जाएगा 104 रुपए 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद अगर वो 104 रुपए है, तो अगले 6 महीने के लिए जब आप 8% निकालोगे 6 महीने का, वो 100 रुपए पे नहीं निकलेगा, वो 104 रुपए पे निकलेगा। तो अब आपको क्या करना है, 104 रुपए है
₹104 पे इनटू करना आपको इनटू, अभी 8% पूरे ईयर का इंटरेस्ट दे रही है बैंक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना रहेगा 4%, पूरे साल का इंटरेस्ट 8% है बच्चों, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 4% होगा कि नहीं, वही तो हमने यहाँ पे भी किया, ₹100, ₹100 के ऊपर 4% निकाला हमने तो वो ₹4 आ गया। क्यों निकाला मैंने 4%, क्योंकि पूरे साल का 8% है तो 6 महीने का 4% रहेगा, तो ₹100 पे ₹4 इंटरेस्ट आ गया 4% के हिसाब से 6 महीने का, तो नया प्रिंसिपल कितना हो गया 104। और अब ये 104 के नए प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान से सुनना, 104 के इस नए प्रिंसिपल के ऊपर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट वापस 4% निकालिए, तो 104 के ऊपर मैं निकालता हूं 4%, तो आ जाएगा 4.16। और इसलिए ये जब इसमें ऐड हो जाएगा साल के एंड में आपका नया प्रिंसिपल बन जाएगा 108.16। क्या बन जाएगा आपका नया प्रिंसिपल 108.16। क्या फर्क गिरा समझ में आ रहा है? फर्क ये गिरा कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि ₹100 के ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट कहा गया था पूरे साल का, और पूरा साल खत्म होने के बाद ये इंटरेस्ट इसमें कंपाउंड किया गया, इसलिए साल भर के बाद आपका प्रिंसिपल बढ़कर 108 हुआ, इसलिए उसके अगली बार जब इंटरेस्ट निकला तो ये नए वाले इंक्रीज्ड प्रिंसिपल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, इसलिए आपका इंटरेस्ट ज्यादा आया। पर ये आपका प्रिंसिपल ₹100 से 108 होने के लिए आपको 1 साल रुकना पड़ा, 1 साल तक आपका प्रिंसिपल ₹100 था। सेकेंड केस में ऐसा नहीं हो रहा है, सेकेंड केस में वो क्या बोल रहे हैं, ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस जो है हम वो सेमी एनुअली करने वाले। अब अगर वो सेमी एनुअली कर रहे हैं मतलब क्या कि 6 महीने जैसे ही खत्म हो जाएंगे 6 महीने का जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। अब 6 महीने बाद ही अगर इंटरेस्ट ऐड होने वाला है तो मुझे फायदा क्या मिलता है कि बचे हुए 6 महीने के लिए मेरा प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिनल से थोड़ा बम्प हो जाता है, क्योंकि उस प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल पहले 100 था, उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने बाद ही उन्होंने ऐड कर दिया, साल भर नहीं रोकने बोला मुझे, 6 महीने बाद ही 6 महीने का जितना इंटरेस्ट बनता है उसमें ऐड किया गया, तो अब ये मेरा कितना बन गया 104 बन गया। और अब क्या हो गया, बचे हुए 6 महीने के लिए मुझे 4% 104 पे मिला, 100 पे नहीं। यहां पे क्या हो रहा था एनुअली, एनुअली तो ये था कि ₹100 आपका प्रिंसिपल है, 6 महीने का उसका इंटरेस्ट कितना हुआ ₹4, पर वो आपके अकाउंट में वो कंपाउंड नहीं कर रहे थे, आपके अकाउंट में ₹100 ही बता रहे थे और 6 महीने का इंटरेस्ट ₹4 हो गया, ये बैंक को पता था पर वो ऐड नहीं कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ नेक्स्ट 6 महीने के लिए भी आपका प्रिंसिपल ₹100 ही माना गया, और ₹100 के ऊपर ही आपको वापस अगले 6 महीने का 4% मिला। 4% कैसे आ रहा है, पूरे साल का 8% है तो 6 महीने का कितना होगा डिवाइड बाय 2 ना, 4% मिलेगा। डिवाइड बाय 2 क्यों किया मैंने, कि 6 महीने साल में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं ना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। क्या बोलते उसको, कन्वर्जन पीरियड, मतलब क्या कि एनुअल, एनुअल मतलब क्या, एक साल में एनुअल्स कितने आते हैं, एक ही तो आता है। सेमी एनुअल अगर रहेगा तो आपका कन्वर्जन पीरियड कितना निकलेगा, सेमी एनुअल, ऐसे वो 6 मंथली बोलते हैं। तो मुझे बताइए 6 मंथ्स का एक सेमी एनुअल्स, मतलब 6 महीने का एक पीरियड, साल भर में 6-6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। वही मान लेते हैं कि इंटरेस्ट बोल रहे कि हम क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे, आप क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंड करेंगे मतलब क्या, क्वार्टर्स, साल भर में क्वार्टर कितने आते हैं, 4 क्वार्टर आते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। साल भर में एक, साल भर में एनुअल्स कितने आते हैं, एक, साल भर में सेमी एनुअल्स कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो साल भर में क्वार्टर कितने आते हैं, 4। तो अब मुझे मालूम है अगर साल भर का इंटरेस्ट 8% है तो 6 महीना कितना होगा डिवाइड बाय 2, आधा होगा ना, 4%। इसलिए केस वन में क्या हुआ कि पहले ₹100 पे आपका इंटरेस्ट ₹4 हुआ 6 महीने बाद का, लेकिन उन्होंने क्या किया आपके प्रिंसिपल में ऐसा ऐड नहीं किया, कंपाउंड नहीं किया, ऐसा अलग से रखा, और इसलिए जो नेक्स्ट 6 महीने थे उसके ऊपर वक्त भी आपको 4% इस ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ₹100 पे ही 4% मिला, ₹4 वापस यहाँ पे, इसलिए आपके साल के एंड में ₹108 हुए। लेकिन अगर आपकी बैंक आपको ऐसा बोल दे कि सर हम इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, सेमी एनुअली हम आपके अकाउंट में वो कंपाउंड कर देंगे, तो बच्चों देखिए इससे आपका कितना ज्यादा फायदा होगा। व्हाट विल हैपन नाउ इज योर इनिशियल प्रिंसिपल वाज ₹100, सो इनिशियल प्रिंसिपल वाज ₹100, 4-6 मंथ्स इंटरेस्ट इज 4%, सो 100 पे 4% इज ₹4, एंड एज सून एज द 6 मंथ्स आर ओवर दोस ₹4 वुड बी कंपाउंडेड added in your account, so now on your principal would be considered as 104. Now your benefit in this is ki now for the next 6 months when they calculate 4% again, they won't calculate it on 100, they will calculate it on 104,
And because they calculated on 104, that 4% would be little higher. Like here it was 4 rupees, it will be your 4.16. And hence, kitna ban gaya? 108.16. Jo aapka pehle 108 rupees ban raha tha, ab wo 108 kitna ban gaya? 108.16. You getting my point? So, jitna jaldi compounding hoga, utna acha. Annual mein jitna interest aata hai, usse jyada interest aapko semi-annual mein aayega. Semi-annual mein jitna interest aata hai, usse jyada interest aapka quarter mein aayega. Quarterly mein kya karenge bachcho? Chaliye bataiye aap mujhe. Saal bhar ka 8%, to quarterly kitna interest milega? To quarter saal mein kitne aate hai? 4 aate hai na? To 8% divided by 4. Kyunki conversion periods kitne rehte hai? Maine bola na, saal bhar mein quarter kitne aate hai? 4 aate hai. तो क्या करने का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्जन पीरियड से डिवाइड करने का तो अगर साल भर का 8% दे रहे हो तो 8 डिवाइड बाय 4 जब मैं करूं तो ऑफ कोर्स 2% आएगा मतलब मुझे एक-एक क्वार्टर में आप 2-2% दोगे पूरे साल में आप मुझे 8% दे रहे हो मतलब हर एक क्वार्टर में 2-2% दोगे तभी तो 4 क्वार्टर का 8% इंटरेस्ट आता है अब क्वार्टरली में फायदा क्या होता है कि ये 100 रुपए के ऊपर 2% मतलब कितना हुआ 2 रुपए एक क्वार्टर का एक क्वार्टर का 2 रुपए अब एक क्वार्टर जैसे खत्म हो गया एक क्वार्टर 3 महीने का रहता है साल भर में 4 क्वार्टर आते हैं एक एक क्वार्टर 3 मंथ्स का रहता है वो क्या करेंगे जैसे 3 महीने खत्म हो गए ये 2 रुपए का इंटरेस्ट आपके 100 रुपए में जोड़ देंगे तो अब आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा योर न्यू प्रिंसिपल वुड बी 102 नाउ व्हाट विल हैपन इज नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कैलकुलेट 2% फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर They will not calculate 2% on rupees 100, they'll calculate on 102. So what will happen is, kyunki abhi aapka principal so nahi raha, 102 raha, isliye aapko thoda ja extra interest milega agle quarter mein. So 102 ke upar aapko milega 2%, wo kitna aayega? 2.04. Aur ye jab add ho jayega, to naya principal aapka ho jayega 104.04. Ab fayda kya hua? Yaha dekhna, yaha aapka 6 mahine baad, ye 100 rupaye pe 6 महीने का 4% 104 हुआ था 6 महीने बाद आपका प्रिंसिपल 104 था यहां पे देखो 6 महीने बाद आपका प्रिंसिपल कितना बन गया 104.04 बन गया है 104.04 बढ़ गया वो क्यों बढ़ गया क्योंकि उन्होंने क्या किया था यहां पे 2 महीने 3 महीने बाद ही जो 2 रुपए आपका इंटरेस्ट था वो आपके अकाउंट में डाल दिया और इसलिए अगले 3 महीने का जो आपका क्वार्टर था उस पे 4% निकला पर वो 100 पे नहीं वो 102 पे निकला जो यहां पे नहीं हो रहा था यहां पे क्या हो रहा था पूरे फर्स्ट 6 मंथ्स तक आपका प्रिंसिपल 100 ही माना गया इसलिए फर्स्ट क्वार्टर पे भी 2 रुपए हुए और सेकंड क्वार्टर में भी प्रिंसिपल 100 ही पकड़ा गया क्योंकि इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड सेमी एनुअली होने वाला था तो वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आया नहीं था यहां क्या हो गया क्योंकि क्वार्टरली ही क्वार्टर खत्म होते ही इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड किया गया पूछो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में कंपाउंड किया गया सर इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में कंपाउंड किया गया मतलब क्या अरे बच्चों मतलब ये मेरा डांस में वो ये ना उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं कंपाउंडिंग मतलब टू बी एडेड इन योर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट सो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका 3 महीने का जो इंटरेस्ट है 2 रुपए वो जैसे ही 3 महीने खत्म हो गए वो 100 रुपए में वो 2 रुपए ऐड करके 102 हो गया एंड अगले क्वार्टर पे जब उन्होंने 2% निकालना चाहा 2% 100 पे नहीं निकला 102 पे निकला और इसलिए 104.04 हो गया अब वापस क्या होगा एक और क्वार्टर का 2% आपको मिलेगा लेकिन 2% अभी किस पे निकाला जाएगा 104 पे 104.04 पे इनटू 2% अगर आप क्लिक करते हो तो बच्चों आ जाएगा 208 ओके 2.0808 वगैरह और यही जब आप इसमें ऐड कर देते हो प्लस इक्वल टू क्लिक करना आपको प्लस इक्वल टू क्लिक करोगे आप कैलसी पे तो आपको मिलेगा 106.12 अब वापस जब वो 2% निकालेंगे इस 106 पे इनटू 2% आपका आंसर आएगा 2.12 1224 और ये वापस 106 में ऐड करना इसलिए प्लस इक्वल टू क्लिक करोगे आप आपका आंसर कितना आ रहा जानते हो 108.2432 दिख रहा आपको एनुअल में जितना आपको एनुअल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट सेमी एनुअली आ रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली में आ रहा है इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ये जो आपका अमाउंट है लास्ट में अमाउंट उस अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल माइनस करना है कम ऑन वन सेकंड क्या बोला मैंने जो अमाउंट है आपका उस अमाउंट में से जो आपने ओरिजिनली पैसा लगाया था प्रिंसिपल वो अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट जैसे यहां पे अमाउंट क्या 108 माइनस कर दीजिए आपका प्रिंसिपल कितना था 100 मतलब आपने यहां पे कितना इंटरेस्ट कमाया 8 रुपए भाई यहां पे देखिए आपका अमाउंट कितना है 108.16 माइनस कर दीजिए आपका प्रिंसिपल कितना था 100
तो 108.16 में से 100 माइनस कर दो, आपने यहाँ पे 8.16 का इंटरेस्ट कमाया है। और यहाँ पे आप देखिए आपका अमाउंट है 108.24, उसमें से अगर आप 100 रुपीज़ माइनस कर देते हो तो आपको समझ में आएगा आपने कमाया है 8.24 रुपीज़ का इंटरेस्ट। यू गेटिंग पॉइंट एवरीबॉडी? सो जितना कंपाउंडिंग जल्दी होगा उतना आपका फायदा होगा। अगर आपकी बैंक आपको ऐसा बोलती है सर क्वार्टरली छोड़ो, हम तो आपका मंथली जितना इंटरेस्ट होता है हर मंथ के एंड में आपके अकाउंट में डाल देंगे सर, कंपाउंड कर देंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? ये 6 मंथली ये क्वार्टरली से भी अच्छा क्या है कि अगर बैंक आपको क्या बोल दे कि सर हम हर महीने का महीने जितना बनता है आपके अकाउंट में कंपाउंड कर देंगे। सो अगर मंथली कंपाउंडिंग होने वाली है सो दैट्स मोर बेनिफिशियल देन दिस एनुअल और सेमी एनुअल और क्वार्टरली। सो फर्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ इज व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब वक्त है इसके सिंपल से फॉर्मूले लिखने का, क्योंकि हमने तो अभी देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, कैलसी पे। पर इसका सिंपल फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो फॉर्मूले कैसे आने वाले, लिख लीजिए मेरे साथ, आप बनाएंगे। एक जगह लिखेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट और एक जगह आप लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट का फॉर्मूला चाहिए, अमाउंट मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी आपका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के ऊपर पी एन आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला की ऐसे तो कोई ज़रूरत गिरने नहीं वाली, क्योंकि मैं आपको कैलसी पे ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला हमको रेयरली यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी व्हाट इज़ द फॉर्मूला क्विक। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी एन आर अपॉन 100। पी एन आर अपॉन 100 क्या, ये बड़ा लॉजिकल फॉर्मूला है। जो भी आपका प्रिंसिपल है, जैसे आपका 100 रुपये था, 100 रुपये के ऊपर आप क्या बोल रहे थे, 8% ना, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपये इंटू 8%, तो ये 100 क्या है, प्रिंसिपल, ये 8 क्या है, 8% है वो, तो 8% को अपन क्या लिख सकते हैं, 8/100, 8% है ना वो, तो परसेंट मतलब क्या रहता है, 8/100 ना, 8% मतलब 8/100। और अगर मान लीजिए आपने 4 साल के लिए पैसा बैंक में रखा है तो इंटू 4 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि हमेशा 100 रुपये पे ही 8% कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे 100 रुपये थे आपके, 8% हमेशा इस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आप 3 साल में कितना कमाओगे, तो 100 रुपये का 8%, 8 रुपये हुआ, 8 रुपये को डायरेक्टली इंटू 3 कर दो, 3 साल का आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि 4 साल बाद आप कितना कमाओगे, तो इंटू 4 कर देना आप। अगर आपको चाहिए 33 ईयर्स में आप कितना इंटरेस्ट कमाओगे, तो 100 रुपये पे 8%, 8 रुपये, और वो 8 रुपये 33 ईयर्स के लिए, सो 8 × 33, क्योंकि हर साल 8 रुपये ही मिलने वाला है ना, तो क्योंकि आपको हर साल 8 रुपये 8 रुपये मिल रहा है, 33 ईयर्स में आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट, अगर मैं पूछूँ तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 100 रुपये का 8%, 8% को मैंने 8/100 लिख दिया यहाँ पे, तो 100 रुपये का 8% मतलब कितना है, 8 रुपये। और 8 रुपये अगर आपको, आप बोल रहे हो मैं बैंक में 4 साल पैसे रखूंगा, तो 8 रुपये आपको 4 बार मिलेंगे, इसलिए इंटू 4, नहीं सर मैं 33 ईयर्स तक पैसा बैंक में रखने वाला हूँ, तो आपको 100 रुपये पे 8% मतलब 8 रुपये 33 ईयर्स है, तो इंटू 33 करने का 33 ईयर्स का आपका आ जाएगा, कन्फर्म रहेगा सभी के लिए, राइट? तो इस तरह से अपना क्या हो गया, हमने देख लिया फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। क्या देख लिया हमने, फॉर्मूला, फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकाल लिया हमने, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब वो सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपने फॉर्मूला देख लिया, तो वही अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू 1 + r^n - 1। क्या फॉर्मूला रहेगा, पी इंटू 1 + r^n - 1। यहाँ पे पी क्या है आपका, दिस पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर अगेन वंस अगेन, आर इज व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी पी क्या है आपका, पी पी वंस अगेन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर क्या है यहाँ पे, आर आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन ईयर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स और माइनस वन। तो मान लीजिए आप 100 रुपये लगाने वाले हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो यहाँ पे 8% है, मतलब उसको क्या लिखना है, 8% मतलब 8/100, मतलब ये लिखते हो कि डायरेक्टली 0.08 लिखिए, है ना, 0.08। और आप ये 3 साल के लिए बैंक में डाल रहे हो, तो एन रहेगा 3 ईयर्स - 1, ओके। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू 1 + r^n - 1। पी ईयर स्टैंड्स फॉर द ओरिजिनल सम दैट इज इन्वेस्टेड, या प्रिंसिपल उसका बोलिए, आर ईयर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। हमेशा याद रखना एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स में ही चाहिए, इसलिए अगर आपको ऐसा बोला कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स,
क्या बोला है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स. सो क्या करना है, दिस इज ऑलरेडी इन ईयर्स बट दिस इज इन 8 मंथ्स. इस मंथ को विल हैव टू कन्वर्ट इन टू ईयर्स. अब मंथ को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 8 मंथ्स है तो 8 को डिवाइड बाय 12 करने का. 8 को डिवाइड बाय 12 जब आप करते हो तो आपका आ जाएगा इट इज 8 डिवाइडेड बाय 12 तो आ जाएगा 0.6666 ईयर्स, तो रफली 0.67 ईयर्स. तो 6 + 0.67 मतलब 6.67 ईयर्स आपको लेना पड़ेगा. तो आपका एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, आपका एन का वैल्यू बन जाएगा 6.67. तो हमेशा देखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये एन जो है वो किस में रहता है, ईयर्स में रहता है, हमेशा किस में रहता है, ईयर्स में. सो वंस अगेन, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, राइट. एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आता है ना, स्पेशली सीएस फाउंडेशन के एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स का, राइट. आप सीए फाउंडेशन वगैरह दो तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बाकी सीएस फाउंडेशन के इसमें बहुत सिंपल एमसीक्यू आएगा आपको. आपको एकदम सिंपल से फॉर्मूला में आंसर डालना है और वैल्यू डालनी और आंसर निकालना है. बट एनीवे, पढ़ते तो बच्चों हमको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल में आए ना आए हमको सेकंड लेवल पे तो ये सब लगने वाला है. तो वन सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, तो याद रखना हमको एन ऑलवेज ईयर्स में चाहिए. सो जो मंथ्स में दिया उस मंथ को सिर्फ डिवाइड बाय 12 करने का, ईयर्स निकालने का, फिर जोड़ के एन का वैल्यू आ जाएगा आपका 6.67. सो टू सम अप, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, जल्दी से बताइए मुझे. एक मिनट दो, तो वन सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी इंटू 1 + r^n - 1. अब से बच्चों इसमें याद रखना कि अगर बोला कि कंपाउंडिंग करना है सेमी एनुअली, राइट, या क्वार्टरली, तो सिर्फ क्या करने का, एन जो है एन उसको मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन पीरियड करना है. एन को मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन पीरियड करना है. सो कन्वर्जन पीरियड को मैं सी लिख देता हूं, और R को डिवाइड बाय कन्वर्जन पीरियड करना है. R को क्या करना है, डिवाइड बाय कन्वर्जन पीरियड. सो इसका मीनिंग नहीं समझ में आया. अच्छा मान लेते हैं कि सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होने वाली, तो सबसे पहली बात ये कन्वर्जन पीरियड आपको समझा के देख लो. कन्वर्जन पीरियड क्या रहता है हमारा, कि उतने कन्वर्जन्स कितनी बार आते हैं ईयर में. जैसे सेमी एनुअल्स, कितने सेमी एनुअल्स आते हैं एक साल में, 2 आते हैं. क्वार्टर्स, कितने क्वार्टर आते हैं एक साल भर में, 4. तो इसको कहते हैं कन्वर्जन पीरियड. क्या बोलते इसको, कन्वर्जन पीरियड. तो याद रखना एनुअल्स में कन्वर्जन पीरियड क्या है, 1. सेमी एनुअल्स मतलब कन्वर्जन पीरियड कितने रहेंगे, 2. और क्वार्टरली मतलब कन्वर्जन पीरियड कितने रहेंगे आपके, 4. सो आपको बस करना क्या है कि अगर बोला कि नहीं हम ना क्वार्टरली इंटरेस्ट देने वाले, तो क्या करना, ये जो आपका फॉर्मूला था पी इंटू 1 + r^n, क्वार्टरली बोला है तो क्या करने का, कन्वर्जन पीरियड से एन को मल्टीप्लाई करने का और आर को जो भी कन्वर्जन पीरियड से डिवाइड करना है. वंस अगेन, R को डिवाइड बाय कन्वर्जन पीरियड और N को मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन पीरियड, और ये -1 तो रहने ही वाला है. ओके, वही अगर वो बोल रहे कि नहीं नहीं हम क्वार्टरली नहीं, हम तो आपका इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली कंपाउंड करने वाले. सो इफ दे आर गोइंग टू कंपाउंड द इंटरेस्ट सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब द कन्वर्जन पीरियड शुड बी नाउ 2. N को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, R को डिवाइड बाय 2 करो, इन दैट केस R डिवाइड बाय 2 N मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा. ओके, सो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अब ये तो इंटरेस्ट हुआ, अगर आपको चाहिए अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या, कि जो भी आपने प्रिंसिपल लगाया था प्लस इंटरेस्ट. जैसे 100 रुपये आपने प्रिंसिपल लगाया था और आपको 8% मान लीजिए उस पर 4 साल का इंटरेस्ट आपने यहाँ पे निकाला होगा, कि 100 रुपये पे 8% मतलब 8 रुपये हुआ, 8 रुपये 4 साल का, कितना आ जाएगा, 8 रुपये 4 साल का. तो जब मैं 8 रुपये 4 साल का निकालने जाऊँ, ओके, 100 रुपये पे 8% मतलब 8 रुपये हुआ, 8 रुपये फॉर 4 ईयर्स, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 32. तो कोई मुझसे पूछे कितना अमाउंट हुआ 4 साल बाद, मुझे बैंक से क्या अमाउंट मिलेगा, तो मेरे 100 रुपये तो मिलने ही वाले, साथ साथ में 32 भी मिलेंगे, दैट इज 132. वही अगर आपको मान लीजिए बच्चों अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में निकालना है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट इन केस ऑफ व्हाट, कम ऑन, कंपाउंड इंटरेस्ट केस, तो बस डायरेक्टली क्या करना है, पी
इंटू वन प्लस आर रेस टू एन करना है, ये माइनस वन करने की जरूरत नहीं, ओके ये पी होल इंटू द ब्रैकेट वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली क्या करना है, ये पी का पी इधर आ गया, पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन फिनिश, पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन फिनिश, ये हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट पूछा है तो पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, सिंपल इंटरेस्ट का केस है और अगर आपका अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल पी प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको मैन्युअली ऐड कर देने का पे। पर वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है और प्रिंसिपल पूछा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन। क्लियर है सभी के लिए? तो यहाँ पे हमने देख लिया सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे हमने देख लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब बच्चों इसके ऊपर ही डायरेक्टली हमको देखना शुरू करना है व्हाट, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो जल्दी से आप इलस्ट्रेशंस पे आइए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग उन्होंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कन्वर्जन पीरियड का यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा हुआ है, ओके वन बाय वन। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले आप डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 9.2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9.2, चलिए पढ़िए क्या बोला है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालने के बोल रहे जनाब, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1000, तो ये मेरा बन गया 1000 प्रिंसिपल, 4 क्या बन गया मेरा नंबर ऑफ ईयर्स और 5 क्या बन गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, तो आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, याद रखना आपको अमाउंट नहीं पूछा है, क्या निकालने के लिए बोला, इंटरेस्ट। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा पहले फॉर्मूला तो लिख देते, इनको बता देते कि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है। तो देखिए जनाब अमाउंट का नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, पी इंटू वन प्लस आर इज टू एन माइनस वन, दैट्स इट, फॉर्मूला लिख दीजिए, चीजों को डालते जाइए। प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल है सर 1000 इंटू वन प्लस आर, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 5%, अब 5% मतलब क्या रहता है 5/100, कैलसी पे करके देखो या इट्स नथिंग बट 0.05, 5/100 रेस टू एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स मेरे कितने 4, रेस टू 4 माइनस 1, यस ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनिए, इसका शॉर्टकट है। तो ये 1000 इधर ही है, अब ये देखिए कैलसी पे क्या आएगा आपका, 1.05 रेस टू 4 निकालना है मुझे, ठीक है। तब ध्यान से सुनिए कैसे निकालते हैं 1.04 रेस टू 1.05 रेस टू 4, ये कैसे निकालते हैं प्लीज ध्यान से सुनिए, 1.05 रेस टू 4 कैसे निकालना है कैलसी पे ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, आपको कैलसी पे लेना है 1.05, फिर आपको प्रेस करना है मल्टीप्लाई और फिर आपको इक्वल टू तब तक प्रेस करना है जब तक आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट में ये जो पावर है उससे 1 एक्स्ट्रा, मतलब जब तक 5 ना दिखे, जो भी पावर है उससे 1 एक्स्ट्रा आने तक आपको इक्वल टू बटन दबाना है। सो एक्चुअली बच्चों ये कैलसी पे जो टॉप लेफ्ट पे ये जो रहता है ना, ये क्या दिखाता है जानते हो, ये दिखाता है कैलकुलेटर पे नंबर ऑफ स्टेप्स के, आपने कैलसी पे कितने ऑपरेशंस किए, कितने स्टेप्स किए। तो ट्राई करते हैं, कैलकुलेटर लीजिए सबसे पहले, कैलकुलेटर लेने के बाद कैलसी पे आपको सबसे पहले लेना है 1.05, तो मैं ले लेता हूँ 1.05, ठीक है। फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर क्या क्लिक करना है आपको मल्टीप्लाई और फिर इक्वल टू तब तक क्लिक कीजिए जब तक पावर अपनी 4 है ना, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैलसी के एकदम टॉप लेफ्ट पे, सबसे पहले आपको कैलसी के टॉप लेफ्ट पे नंबर ऑफ स्टेप्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे तो मैं जरा कैमरा के नजदीक आके आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके